अटेम्प्ट करें। तो क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये था। अब मैं आ रहा हूँ अपने ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें मुझे कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तमाम लोग। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहता है कि डेटा गिवन बिलो शो द डायमीटर इन इंचेस ऑफ ऑल बॉल्स बेयरिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि इसमें क्या फाइंड आउट करें, इसमें फाइंड आउट करें। मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ उसको। इसमें हम लोग फाइंड आउट करें फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डेटा क्या है हमारे पास? ये डेटा जो है वो क्या है हमारे पास? ये डेटा हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है ना। तो क्या इसमें हमें कहीं हाइट गिवन है इस पूरे क्वेश्चन में, या नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है? क्या हमें इस पूरे क्वेश्चन में हाइट भी गिवन नहीं है और नंबर ऑफ क्लासेस भी गिवन नहीं है? ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे कि अब ऐसी कंडीशन जहाँ पे हाइट भी गिवन ना हो और आपके पास जो है वो कुछ भी गिवन ना हो, तो फिर आप उस कंडीशन में क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, चेक कीजिए। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है ढूंढने से, सबसे लोवेस्ट वैल्यू? द मोस्ट मिनिमम वैल्यू 48.1, 39.3 का है बेटा इस वाले कॉलम में, 39.3। यस, थर्ड लास्ट कॉलम में लास्ट वैल्यू है। ठीक है, तो 39.3 इज द लोवेस्ट वैल्यू, 39.3 इज द लोवेस्ट वैल्यू। What is the maximum value in this question? What is the maximum value? Maximum frequency कौन सी है? Maximum value कौन सी है? Where is it? 94.2, I think first column, fourth value in first column, na? फोर्थ वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट कॉलम में, दिस इज 94.2। कंफर्म यही वैल्यू है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, इसके अलावा कोई वैल्यू ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो 39.3 एंड 94.2, 39.3 ओवर आवर मिनिमम वैल्यू इज 39.3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 94.2। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो सो मैक्सिमम वैल्यू इज 94.2 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 39.3। सो नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला इन नंबर ऑफ क्लासेस इज 1 + 3.33 log n। सो हाउ मैनी वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन, count it, yes, it's 50 values। कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास? टोटल 50 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो 50 वैल्यूज, इट्स मीन log 50। So first you subtract to each of this one, 94.2 minus 39.3,
क्या आंसर आ रहा है इसका? 94.2 में से 39.3 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है? कैलकुलेटर से माइनस कीजिए, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मैं कहता हूँ 94.2 माइनस 39.3 इज 54.9, इज 54.9, ठीक है ना? तो 54.9 हमारी वैल्यू आ गई, इसको माइनस करके 54.9, और मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 प्लस 3.33 log 50, तो मेरे पास आंसर है 6.65। तो 6.65 को मैं क्या कर दूंगा? राउंड ऑफ कर दूंगा। 6.65 को क्या कर दूंगा? राउंड ऑफ कर दूंगा। तो इट्स मीन मैं कहता हूँ 54.9 इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना? तो इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ? राउंड ऑफ करता हूँ, यानी 6.657 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो कितना आ गया? 7 आ गया। अब मैं डिवाइड करूंगा किसको? किससे? 54.9 को डिवाइड करूंगा किससे? 7 से। तो व्हाट इज द वैल्यू? इज 7.8, ठीक है ना? आंसर क्या आया? 7.8। सो 7.8 को इंक्रीज करना है, 7.8 को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 8.0। क्या हो जाएगा ये? 8.0। यहाँ तक क्लियर? हाइट कितनी हो गई हमारे पास? 8 हाइट हो गई। अब अगर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे अगर वैल्यू होती जैसे यहाँ पे 7.8 आया है, तो अगर ये 7.3 होता तो हाइट क्या होती? 7.3 होता तो हाइट क्या होती? तमाम स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करें बेटा, 7.3 होता तो हाइट क्या होती? 7 और बाकी सारे लोग कह रहे हैं 8। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ साइड पे, तो जरा फोकस कीजिएगा कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात क्या है, और जो है आप इस एग्जांपल से क्या बात समझें। मैंने कहा अगर वैल्यू 7.1 होगी तो ये हो जाएगा 7.5, अगर वैल्यू 7.2 होगी तो भी ये 7.5 हो जाएगा, अगर वैल्यू 7.4 होगी तो भी ये 7.5 हो जाएगा, अगर वैल्यू 7.5 है तो ये 7.5 ही रहेगा, अगर वैल्यू 7.6 होगी तो ये 8 हो जाएगा, अगर वैल्यू 7.7 होगी तो ये भी 8 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तीन किस्म की बात की है, एक ये और एक ये। क्या बात समझ में इससे? अगर वैल्यू 0.01 होगी तो भी 7.5 हो जाएगा, 7.01 होगी तो भी 7.01 होगी, 7.01 होगी तो भी ये 7.5 हो जाएगा। तो जरा मुझे बताएं कि इस एग्जांपल से आपको क्या बात समझ में आई? नहीं, मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैंने एग्जांपल कोट की है, ये एग्जांपल किस चीज को शो कर रही है? इंक्रीज करनी होगी नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू, नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू को हाफ वैल्यू से, बिल्कुल हाँ, जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो क्या होगी? हाफ वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर 7 से अबव है, अगर 7 से अबव है तो 7.5 हो जाएगा, और अगर 7.5 से अबव है तो 8 हो जाएगा। अगर वैल्यू 7 से अबव है तो क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, और अगर वैल्यू 7.5 से अबव है तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इट्स मीन क्या हुआ? हाफ वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या होगी? हाफ वैल्यू इंक्रीज होगी। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? यस, दिस कंडीशन इज ओनली फॉर कंटीन्यूअस डेटा।
ये जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कंट्रीज डेटा के लिए, ठीक है। दो देयर टू टाइप्स ऑफ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटीन्यूअस डेटा। दिस कंडीशन ओनली फॉर कंटीन्यूअस डेटा, यू मस्ट बी इंक्रीज योर वैल्यू इज हाफ वैल्यू, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे दो एरर होते हैं हमेशा, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, दो एरर होते हैं, या तो आप राउंड ऑफ कर देते हैं वैल्यू को, डिस्क्रीट में 7.1 होता तो 8 कर देंगे, बिल्कुल। डिस्क्रीट डेटा में एक स्टेटमेंट आप अपने पास लिख लें कहीं पे, आप रफ में कहीं पे साइड में लिख लें इस चीज को कि अगर डेटा आपका क्या होता है, डिस्क्रीट होता है तो फुल वैल्यू इंक्रीज होती है, फुल वैल्यू इंक्रीज होती है। लेकिन अगर वैल्यू कंटीन्यूअस डेटा है तो इट्स मीन हाफ वैल्यू इंक्रीज होगी, हाफ वैल्यू इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है बेटा? ओके गुड। तो यही चीज एरर होती है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेन गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि या जो नंबर ऑफ क्लासेस को राउंड ऑफ नहीं करते, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। ये एमसीक्यूज में आता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है ये, ठीक है ना। तो ये राउंड ऑफ करने वाली कंडीशन आ सकती है आपके पास एमसीक्यूज में, आपके पास एमसीक्यूज के अंदर आपको क्या देगा कि मिनिमम द हाइट विल बिकम 7.6, व्हाट विल द हाइट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ 7.4, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस कंडीशन। तो इस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं, जी बिल्कुल। डिस्क्रीट डेटा में 7 से अबव हुआ तो 8 हो गया, कंटिन्यूस में 7 से अबव हुआ तो हाफ वैल्यू इंक्रीज होगी, 7.5 हो जाएगी, ठीक है। अब जो है वर्किंग पूरी की पूरी वही है, मैंने कहा था कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है तो मुझे बताएं कितने कॉलम्स बनेंगे, मुझे बताएं कितने कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे। कितने कॉलम बनेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कितने कॉलम्स बनेंगे टोटल, कितने कॉलम बनेंगे हमारे पास, 5 कॉलम बनेंगे, 6 कॉलम्स अगर क्लास बाउंड्री के साथ बना होगा तो 6 कॉलम बनेंगे, अदरवाइज आपसे अगर क्लास बाउंड्री नहीं रिक्वायर्ड कर रहा तो इट्स मीन आपके पास कितने कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज क्लास इंटरवल, सेकंड वन इज टेली मार्क्स, थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी, फोर्थ वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर लेस देन, एंड फिफ्थ वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बताएं कि डेटा को स्टार्ट कहाँ से लेंगे, हाइट हमारी 8 है, हाइट कितनी हमारी 8 है, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हमारे पास 39.3, तो डेटा स्टार्ट कहाँ से होगा, मिनिमम वैल्यू से डेटा स्टार्ट, क्योंकि अब यहाँ पे हमें सबसे मिनिमम वैल्यू से डेटा स्टार्ट लेना है, तो 39.3 से हम डेटा स्टार्ट ले रहे हैं, 39.3। कोई मुझे बताएगा कि मैं यहाँ पे एंडिंग वैल्यू क्या लिखूँ, हाइट हमारे पास 8 है, हाइट हमारे पास 8 है तो मैं क्या करूँ, हाइट 8 है क्या होगा, दोबारा सोचें आपने कहा 46.3, आपने कहा 47.3, हाइट इज 8, द मिनिमम वैल्यू इज 39.3, व्हाट इज द एंडिंग वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल,
बाद मैंने कहा 47.35, वजीर ने कहा 47.2, शास ने कहा 46.2, अली अली व्हाट इज योर आंसर? वजीहा एंड अली एंड राबिया, करेक्ट। द एंडिंग वैल्यू इज 47.2, द एंडिंग वैल्यू इज 47.2। कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट दिस? यू कैन ओपन योर माउथ, यस यू कैन ओपन योर माइक। अली राबिया एंड वजीहा, कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट दिस? वेयर आर यू बडी? आई एम वेटिंग। Where are you all? Rabia, Ali, and Wajiha. आपके पास माइक नहीं है? Wajiha, Ali, and Rabia. सर मैंने इस तरह किया कि अब जैसे हमने देखा इसकी हाइट 8 है, मैंने तो मैंने हर सवाल में नोटिस किया है कि इसमें पहले नंबर को भी काउंट करना होता है। तो जब हाइट 8 है तो मैंने 7.9 से प्लस कर दिया इसको, तो 7.9 अलग हो गया और ये एक नंबर, तो दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 8 की हाइट बन गई। गुड टेक्निक, गुड टेक्निक, यस गुड टेक्निक। Now Ravia, it's your turn. Sir, 8 ऐड किया है तो अगर आप 39.3 में 8 ऐड करेंगी तो इट विल बिकम 47.3, नॉट 47.2। सर नहीं सर, फर्स्ट नंबर को काउंट कर कर मतलब 8 हो रहे हैं, वैसे फर्स्ट नंबर को काउंट किया था जो बिल्कुल किया। बिल्कुल। Now I'm giving you some other shortcut. सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए आप याद करें, अगर मैं इंटरवल पहले बनाया करता था जब 1, 2, 5 और मुझे हाइट गिवन होती है कितनी, हाइट गिवन होती है 5, हाइट गिवन होती है कितनी 5, हाइट गिवन हो तो मैं क्या करता था, 1 से लेके 5 तक की बनाई वैल्यू, फिर 6 से लेकर 10 तक की बनाई वैल्यू, 11 से लेके 15 तक की बनाई। तो हाइट कितनी है 5, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 हो गया, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 हो गया। इसमें इन दोनों की सेपरेशन मैंने पहले ही बताया था, इन दोनों की जो सेपरेशन होती है दैट इज हाइट। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि आप 39.3 में आप हाइट जो भी हो, आपकी हाइट कितनी है 8 है तो आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इंटरवल की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी दैट इज 47.3। तो यहाँ पे जो एंडिंग वैल्यू होती है वो इससे एक वैल्यू क्या होती है, कम होती है, एक वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सो इट विल बिकम 47.2। क्या किया मैंने, इस लोवेस्ट वैल्यू के अंदर हाइट को ऐड कर दिया और उसको कहाँ लिखा मैंने, नेक्स्ट इंटरवल की स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट्स द हाइट ना, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, इनकी हाइट है। तो मैं जब इसमें हाइट को ऐड करता हूँ तो मैंने कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा, नेक्स्ट इंटरवल में लिखा, और एक वैल्यू कम कर दी
तो उसको कहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली हाइट को ऐड करता जा रहा हूँ, सिंपली हाइट को ऐड करता जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 47.3 में, 47.3 में अगर मैं हाइट को ऐड कर दूँ, व्हाट इज हाइट 8, तो द वैल्यू विल बिकम 55.3। तो 55.3 को मैं प्लेस कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ 55.3 को, ठीक है ना। और एक वैल्यू कम करके यहाँ पे लिख दिया। नाउ अगेन आई विल एड 55.3 प्लस हाइट, हाइट इज 8, द वैल्यू विल बिकम 63.3। तो 63.3 को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखा मैंने 63.3 को, और एक वैल्यू कम करके मैंने कहाँ लिख दिया, मैंने इस एक वैल्यू कम करके यहाँ पे लिख दिया 63.2। तो मैं क्या करता गया, मैंने हाइट को ऐड करता गया, और ये वैल्यू जो सेपरेशन जो शो हो रही है वो इंटरवल की, वो आपकी हाइट की वैल्यू सेपरेट हो रही है। नाउ इज इट क्लियर, कुछ समझ में आया यहाँ तक? तमाम लोग रिस्पॉन्स दे बेटा, ये ट्रिक समझ में आई आपको कि लेफ्ट साइड जो है उस पे भी देखो, जो लेफ्ट साइड है आपकी, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है, दिखाता हूँ मैं, ये जो लेफ्ट साइड्स हैं देखें, इनमें जो सेपरेशन है वो कितनी है, हाइट कितनी है 8 है, और राइट में साइड की जो सेपरेशन है, इनको भी आपस में माइनस करके देखें, इनको भी आपस में माइनस करके देखें, यानी 55.2 माइनस 47.2, द हाइट विल बिकम 8, इट्स मीन इन दोनों की सेपरेशन जो है वो भी 8-8 की है। तो आपने फर्स्ट वैल्यू जो है वो करेक्टली आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉपरली सही कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद जो है आपने तमाम वैल्यू को कैलकुलेट करके कितने कॉलम कंप्लीट करने, कॉलम कंप्लीट करने हैं। तो द वैल्यू यहाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको, 39.3 में आपने क्या कर दिया, हाइट को ऐड कर दिया, तो 39.3 प्लस हाइट इज 8, द वैल्यू विल बिकम 47.3। 47.3 को मैंने यहाँ पे लिखा, और एक पॉइंट वैल्यू कम करके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, द वैल्यू इज 47.2, ठीक है ना। तो आप चाहें तो फिर अगेन इसके अंदर वैल्यू 47.3 में ऐड कर दें, 47.3 प्लस हाइट इज 8, द वैल्यू इज 55.3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 55.2। तो इस तरीके से आप तमाम इंटरवल कंप्लीट करें, इंटरवल आ गया, अब टेलीमार्क वैसी होगा, फ्रीक्वेंसी वैसी ही होगी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वैसी ही होगी, लेस देन और मोर देन, और क्लास बाउंड्री भी वैसी ही कैलकुलेट। सिर्फ डिफरेंस जो था यहाँ पे वो क्या था, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट एंड शुड बी कम्प्लीट द कॉलम ऑफ क्लास इंटरवल। जो मेन जो चीज़ थी यहाँ पे आपके पास हाइट कैलकुलेट करना थी, और जो दूसरी मेन चीज थी वो क्या थी, क्लास इंटरवल को कंप्लीट करना। बल्कि तमाम कॉलम्स जो हैं, तमाम वैल्यूज जो हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज से पहले आपने कंप्लीट किया था। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम इन हियर? नाउ यू कैन कंप्लीट द होल क्वेश्चन, आई एम वेटिंग।